अब जितनी मिल सकती है उतनी बॉबिन कर रहा है, यानी अब तो मजा ही आने वाला है। आप लोग लड़िए, मैं तो हैशटैग तो ऑलरेडी आ ही चुका हूँ। वेल प्रिपरेशन तो हीलिंग हील बैटल के उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया, बट वहां पर प्रेस देके हाइड्रा ब्रैड जो कि वो एनिग्मा के प्लेयर्स को वहां पर स्पॉट करेंगे। वेल प्लेयर्स जो कि वो उनके एडीएस करेंगे, ग्रेनेड का इस्तेमाल डैमेज प्लेयर्स के ऊपर। ग्रेनेड अगर यहां पर कुक होता तो एक प्लेयर के नॉकआउट का अंदाजा रहेगा, बट प्ले जोन के ऐसे जो प्लेयर्स नीचे जा रहे वो थोड़ा सा दिक्कत में आते हुए हाइड्रा ऋषभ वहां पर विंटर स्टॉक को जो कि वो नॉकआउट करने में सक्षम होते हुए वेल ब्रैड आगे बढ़ेंगे। एक और प्लेयर को स्पॉट किया 8 बिट की तरफ से, एक गलती उनको महंगी पड़ती हुई, जंप शॉट यहां पर ब्रैड के कनेक्ट हो जाने वाले। जूसी वहां पर आपको बचे हुए प्लेयर देखने को मिलेंगे। ब्रैड की तरफ से एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे नॉकआउट हुए प्लेयर को रिवाइव प्रोवाइड करना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हुई इस प्लेयर की तरफ। ब्रैड आगे बढ़ने को शुरू, रिवाइवल इनिशिएट कर दिया जा चुका है। क्या ये रिवाइवल यहां पर सक्सेस हो पाएगा? बिकॉज जूसी का पोजीशन अभी तक रिवील नहीं है, इस लोकेशन इज नॉट येट कॉम्प्रोमाइज। अगर यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो तो दिक्कत वाली चीज रहेगी, बट हाइड्रा के प्लेयर्स प्ले जोन की वजह से नॉकआउट होते हुए अब मेरी नजरें जो कि वो हील बैटल पे रहेगी सिर्फ और सिर्फ सेल्सियस लोगों की वजह से। या फील बैटल के काफी ज्यादा नजरें रहेगी, लेट्स सी क्या यहाँ पर रहता है। मेन वाले 8 बिट के जूसी काफी अच्छा मूव वहाँ पे लिया है, हाइड्रा को भी कहीं ना कहीं पता नहीं चला। फाइनल बॉस को भी यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया जाएगा, अच्छा एक लॉस से बचेगी जिन रेवली को सर्वाइव करवा रहे हैं। सामने के प्लेयर को स्पॉट आउट कर चुके हैं, फिनिश पॉइंट अपने खेमे में लेना चाहेंगे क्योंकि फिनिश पॉइंट आपको काफी ज्यादा एक एक पॉइंट काफी ज्यादा आपको पॉइंट टेबल के अंदर ऊपर लेके जा सकती है। आपको उसके नीचे भी स्कोर भी हो जाएगा, एक बढ़िया सा नेड और करेगा यहाँ पे अक्षय बहुत बढ़िया तरीके से डाउन, और उसी के साथ में एक बढ़िया सा रिवाइवल भी मिल जाएगा। अगर एनिग्मा यहाँ से ट्राई करे एक बढ़िया सी मोलोटोव या फिर नेड का, तो आई थिंक सो यहाँ से राइवलरी को एलिमिनेट कर सकती है, लेकिन वहां पे ट्राई कुछ नहीं है। और काफी बड़े तरीके से मार्कोस गेमिंग के सूर्या को भी अच्छा खासा रिवाइव प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। बैकफुट के ऊपर हाइड्रा भी है, अपने आप को जोन के अंदर लेके जाएंगे। टोटल टॉप 4 टीम दर्शिता, अभी भी वो हील बैटल चल रही है। वेल ये सील बैटल के साथ गन गेम यहाँ पर भारी पड़ती हुई। जूसी जैसे कि मैंने कहा था, इनका लोकेशन अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यहाँ पर हो चुका है। वो यहाँ पर कुछ प्रेस प्रोवाइड करेंगे राइवलरी के फाइनल बॉस को फिनिश ऑफ किया। अक्षय जो कि वो प्ले जोन की वजह से होते हुए हाइड्रा की ब्रैड वहाँ पर विंटर स्टॉर्म को नॉकआउट करेंगे ग्रेनेड गेम के साथ। बट जूसी को देखिए वो कितना सक्षम है, यहाँ पर वो किल अपने खाते में कन्फर्म कर जाने के लिए। वेल आई थिंक सेल्सियस के जो लोको वहाँ पर हील बैटल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पर फिनिश ऑफ हो जाने वाले। मार्कोस गेमिंग दिस गॉड विल बी कॉट, वेल ब्रैड की तरफ से पनिश किया जाएगा उनको। ब्रैड यहाँ पर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए आपको नजर आ जाने वाले, 2 फिनिशेस के साथ यहाँ पर खेलते हुए। सूर्या आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, बट यहाँ पर जो स्मोक्स आगे इनके हैं वो कहीं ना कहीं पे अच्छा कवर उनको दे रहे थे। स्मोक्स के अंदर प्रेडिबल प्रेस ब्रैड की तरफ से एक और बार, क्या सूर्या को वो अपने खाते में कन्वर्ट कर पाते हैं या फिर नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखिए उनको आना ही पड़ा ऊपर, एंड इसी के साथ टीम हाइड्रा मैनेज करेगी ये मैप को अपने खाते में कन्वर्ट करना। ब्रैड विद 4 फिनिशेस एंड